इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग जारी है, ये बड़ी खबर। दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत इस वक्त सामने आ गया है। टीकमगढ़ में 48.76% वोटिंग हुई है, वहीं खजुराहो में दोपहर 3 बजे तक 43.89% वोटिंग हुई है। रीवा की अगर बात करें तो रीवा में 37.55% मतदान इस वक्त हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक नर्मदापुरम में 55.69% वोटिंग हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक टीकमगढ़ में 48.76% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज दूसरे चरण का मतदान है और एमपी की 6 सीटों पर वोटिंग जारी है। दमोह की अगर बात करें तो वहां 45.69% मतदान हो गया है। खजुराहो में दोपहर 3 बजे तक 43.89% वोटिंग हुई है। वहीं सतना की अगर बात करें तो सतना में 47.68% मतदान दोपहर 3 बजे तक हुआ है। वहीं रीवा में 37.55% मतदान दोपहर 3 बजे तक संपन्न हुआ है और नर्मदापुरम की अगर बात करें तो 55.69% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हुई है। ये मध्य प्रदेश के दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां आज एमपी की 6 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। टीकमगढ़ में इस वक्त 48.76% वोटिंग हो चुकी है, वहीं दमोह में 45.69% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खजुराहो में दोपहर 3 बजे तक 43.89% वोटिंग हो चुकी है। सतना में 47.68% मतदान हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा, ये मतदान प्रतिशत आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमपी की 6 सीटों पर लगातार सुबह से ही मतदान जारी है और नर्मदापुरम में भी 55.69% वोटिंग हो चुकी है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक के ये आंकड़े, ये मतदान प्रतिशत आप देख सकते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रतिशत क्या है।